हेलो दोस्तों मैं सत्यजीत गायकवाड़ एक, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो जिसमें आज हम सीखेंगे रियल नंबर्स चैप्टर टू रियल नंबर्स जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये सेकेंड चैप्टर है क्लास नाइन्थ का तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं इंडियाज फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जी हाँ इंडियाज़ फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नून अकेडमी इज हेल्प फॉर यू जिसमें आपको मिलेगी क्लास नाइन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की पूरी की पूरी लाइव क्लासेस डेली फ्री लाइव क्लासेस जी हाँ डेली फ्री लाइव क्लासेस हाँ, क्लासे आपको वहाँ पर मिलने वाली है फ्री नोट्स एट द एंड ऑफ क्लास एम सी क्यू प्रिपेटरी सेशन भी आपके होने वाले हैं एम एस सी टी और नीट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की गाइडेंस भी आपको वहाँ मिलने वाली है उसके साथ ही आपको मिलेंगे अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग सेशन और ये पूरी की पूरी बातें आपको मिलने वाली है बिल्कुल फ्री तो जाइए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से नून एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री क्लासेस का मजा लीजिए तब तक के लिए ये वीडियो शुरू करते हैं आज हम सीखने वाले हैं रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स क्या होता है तो देखिए रैशनल नंबर समझने से पहले मैं आपको बता दूँ ऑल एनी नंबर्स आर रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू अपॉन क्यू इस फॉर्म में होने वाले जो नंबर्स है वो नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं तो इसमें क्या है देखो तो इसमें पी क्या है और क्यू क्या है वट इज पी एंड क्यू पी अपॉन क्यू इज अ रैशनल नंबर फॉर एग्जाम्पल वी नो थ्री अपॉन फोर ओके थ्री अपॉन फोर इज अ रैशनल नंबर लेकिन रैशनल नंबर में पी एंड क्यू क्या कहे कहलाएंगे पी क्या है वॉट इज पी पी बिलोंग्स टू इंटीजर्स पी जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है यानी कि यानी कि इंटीजर क्या पी पी शायद ऐसा हो सकता है देखिए जीरो वन टू थ्री फोर फाइव डॉट 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 सो वन एंड ऑन दिस दिस साइड माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सो वन एंड निगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो कुछ भी हो सकता है पी इन में से कुछ भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं व्हाट इज़ क्यू क्यू इज़ अल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर्स क्यू भी क्या है इंटीजर्स हो सकता है लेकिन इसमें एक कंडीशन क्यू शुड नाट बी इक्वल टू क्यू शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब कुछ इस तरीके से टू बाई थ्री फोर बाय थ्री ये क्या है यह है रैशनल नंबर्स इन्हें हम रैशनल नंबर्स कह सकते हैं लेकिन अगर कोई भी नंबर में हमने डिनमिनेटर ज़ीरो लिया सपोज ऐसा टू बाय ज़ीरोन इट इज़ नाट ए रैशनल नंबर ये रैशनल नंबर नहीं है तो कुछ इस तरीके से हमें रैशनल नंबर्स ध्यान में रखना है रैशनल नंबर्स हम किसे कहते हैं उसके बाद हमें देखना है इरेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं तो इरेशनल नंबर्स से पहले आप देखेंगे इफ सपोज तो रैशनल नंबर हमने देखे क्या है रैशनल नंबर रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म p अपॉन q जिसमें कि p बिलोंग्स टू p बिलोंग्स टू इंटीजर्स तो यहां पर p डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स मतलब ये इंटीजर्स नहीं होते इरेशनल नंबर्स जो है इरेशनल नंबर्स जनरली इसे हम कहते हैं इन इम परफेक्ट स्क्वायर रूट्स स्क्वायर रूट्स जो है सपोज स्क्वायेर रूट टू है स्क्र रूट टू है फॉर एग्जाम्पल स्क् रूट टू है परफेक्ट स्क्वायर है टू टू का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते मतलब टू का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते उसकी वजह से स्क्वायर रूट ऑफ टू क्या कहेगा उसे क्या कहेंगे हम इ रैशनल नंबर्स कहेंगे स्क्वायर रूट थ्री है सिमिलरली स्क्वायर रूट स्क्वाइव है स्क्वायर रूट सिक्स ये सभी के सभी क्या है इैशनल नंबर यानी क्या कहेंगे हम इ रैशनल नंबर्स कहेंगे ऐसा स्क्वायर रूट जो परफेक्टली फाइंड आउट किया नहीं जा सकता उसे हम क्या कहेंगे इरेशनल नंबर्स कहेंगे तो आई होप रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स हमें देखना है क्या देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर देखिए देर आर थ्री फोर प्रॉपर्टीज इफ ए बी एंड सी आर रैशनल नंबर टू एडिशन एंड प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मल्टीप्लीकेशन ये दोनों हमें यहाँ पर देखना है ध्यान में रखना है पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव पहली कौन सी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्या इफ ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के बराबर है मतलब एडिशन जो है जो कैसे भी हमने की तो क्या होगी सेम आएगी मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव देन थ्री प्लस टू इज इल्सो फाइव ओके वैसे ही मल्टीप्लीकेशन टू इंटू थ्री सिक्स तो थ्री इंटू टू भी क्या होगा सिक्स ही होगा इसे कहेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव एसोसिएटिव यानी अगर तीन नंबर्स के एडिशन कर रहे हैं तीन नंबर्स की एडिशन करनी है तो इन दोनों की एडिशन पहले की या शायद इन दोनों की एडिशन पहले की तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वैल्यू सेम रहने वाली है इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम मल्टीप्लीकेशन तीन नंबर की मल्टीप्लीकेशन करनी हो तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन या फिर पहले इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कोई भी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली तो उसे कहेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सेम ओके दैट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन uh, जो है वो किसी की भी किसके साथ पहले हम कर सकते हैं इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीसरा है आइडेंटिटी आइडेंटिटी यानी क्या आइडेंटिटी ए प्लस जीरो मतलब किसी भी नंबर में जीरो मिलाओ या जीरो में कोई भी नंबर मिलाओ तो वही नंबर आने वाला है मतलब कौन सा नंबर ए क्यों क्योंकि जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं है वैसे ही ये एडिशन की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ एडिशन वैसे ही आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन वैल्यू सेम रहने के लिए क्या करना है इज इक्वल टू ये रहने के लिए मल्टीप्लाइड बाय वन करना है जैसे एडिंग जीरो डज नॉट इफेक्ट ऑन द नंबर अगर जीरो ऐड किया तो उस नंबर पे कोई भी फर्क नहीं गिरने वाला है तो वैसे ही मल्टीप्लाई बाय वन किया तो भी वो नंबर चेंज नहीं होने वाला है वो सेम नंबर रहेगा उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी इन्वर्स किसी भी नंबर का इनवर्स एडिशन एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जैसे हम कहते हैं तो एडिटिव होगा तो माइनस ए माइनस ए होगा तो प्लस ए दो, दोनों की एडिशन क्या आनी चाहिए zero आनी चाहिए और मल्टीप्लीकेटिवर्स में क्या इफ ए इज द नंबर देन वन अपॉन ए इज द मल्टीप्लीकेटिवर्स ए ए कैंसिल वन एज इट इज आंसर क्या आना चाहिए वन आना चाहिए मतलब इनवर्स जब हम देखते हैं तब एडिशन में एडिटिव इनवर्स जो होता है उसकी एडिशन आनी चाहिए जीरो और जब मल्टीप्लीकेशन में देखेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हम इसे कहते हैं उसका आनी चाहिए आंसर क्या आना चाहिए वन आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन का ओके okay? तो इसे हम कहेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ओके तो ये चारों प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है उसके बाद हम देखेंगे रैशनल नंबर्स दे आर टू टाइप्स देर आर टू टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर्स फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग टाइप एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप तो देखिए कुछ इस प्रकार पहला है टर्मिनेटिंग टाइप टू अपॉन फाइव इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर हाउ टू अपॉन फाइव यानी क्या टू अपॉन फाइव याने टू इज डिवाइडेड बाय फाइव फाइव जीरो जीरो हम यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म करने वाले टू एज इट इज तो यहां पर पॉइंट लेंगे यहां पर एक जीरो लेंगे टू फोर जो फोर जा ट्वेंटी परफेक्ट डिवाइड हो गया इसे डिवीजन कंप्लीट हो गई डिवीज़न कंप्लीट हो गया और आंसर क्या मिला आंसर मिला 0.4 आंसर मिला 0.4 पॉइंट जहां पर डिवीजन कंप्लीट हो जाती है वैसे रैशनल नंबर जो है उन्हें कहेंगे टर्मिनेटिंग टाइप वो कौन से रैशनल नंबर कहलाएंगे रैशनल नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग जैसे कि माइनस सेवन बाय सिक्सटी फोर है इसका भी आंसर इतना कंप्लीट आएगा इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा तो ये जो है ये सभी टर्मिनेटिंग टाइप रैशनल नंबर्स है और दूसरे जो है नॉन टर्मिनेटिंग टाइप जैसे कि सेवनटीन बाई थर्टी सिक्स जो है तो 17 बाई थर्टी सिक्स के ऊपर अगर हमने यहाँ पर डिवीज़न uh, कंप्लीट करी डिवीज़न परफॉर्म की तो आंसर आएगा ज़ीरो पॉइंट फोर सेवन टू 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 डॉट 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 यानी कि टू जो है टू वो रिपीट होने वाला है यहाँ पर देखिए कैसे शो किया गया ज़ीरो पॉइंट फोर सेवन टू जीरो पॉइंट फोर सेवन टू और उसके ऊपर टू के ऊपर एक डॉट है यानी कि क्या यानी टू जो है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है आगे बार बार रिपीट होते जा रहा है वहाँ पर डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो सकती बार बार वो टू नंबर रिपीट हो जाएगा उसी वजह से हम क्या करेंगे हम कहेंगे कि टू जो है ये रिकरिंग है बार बार आ रहा है तो वैसे ही ये पूरा नंबर क्या हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप रैशनल नंबर ओके तो वैसे ही कुछ इस तरीके से सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड एग्जाम्पल में थर्टी थ्री अपॉन्ट ट्वेंटी सिक्स का आंसर क्या है वन पॉइंट टू सिक्स नाइन टू थ्री ज़ीरो सेवन सिक्स नाइन टू थ्री ज़ीरो सेवन टू थ्री ज़ीरो सेवन सिक्स ये जो है टू थ्री ज़ीरो सिक्स सेवन सिक्स उसके बाद नाइन ये जो है नंबर ये बार बार रिपीट हो रहा है देखिए यहाँ से सिक्स से देखिए सिक्स नाइन टू थ्री सेवन सिक्स नाइन टू थ्री सेवन तो यहाँ पर आप देखेंगे सिक्स नाइन टू थ्री सेवन सिक्स नाइन टू थ्री सेवन अगर एक नंबर हुआ तो हम डॉट से शो कर सकते हैं एक नंबर रिपीट हो रहा है खाली टू 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 रिपीट हो रहा है तो डॉट से शो करेंगे और ज्यादा नंबर अगर रिपीट हो रहे होंगे नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ नंबर्स तो उसे क्या कहेंगे ऐसे बार से शो करेंगे क्या कहेंगे इसे इसे रीड कैसे कर करेंगे वन पॉइंट टू सिक्स नाइन टू थ्री जीरो सेवन बार सिक्स नाइन टू थ्री जीरो सेवन इसके ऊपर क्या देंगे बार देंगे तो मतलब ये ग्रुप जो है ये ग्रुप पूरा का पूरा रिपीट होने वाला है जैसे कि तीसरे क्वेश्चन में तीसरे एग्जाम्प में दिया गया फिफ्टी सिक्स अपॉन थर्टी सेवन इसका आंसर है वन पॉइंट फाइव वन थ्री 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 ये जो ग्रुप है ये बार बार रिपीट हो रहा है मतलब इसे कैसे रीड करेंगे वन पॉइंट फाइव वन थ्री बार तो कुछ इस तरह से रैशनल नंबर्स के दो टाइप से टर्मिनेटिंग टाइप और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिकरिंग यानी रिपीट होने वाला रिकरिंग यानी रिपीट होने वाला ओके okay, कुछ इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हमें देखना है टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन पी अपॉन क्यू फॉर्म जो दिया गया नंबर है जैसे कि एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल 0.777 डॉट 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 इन पी अपॉन क्यू फॉर्म तो इसे हमें शो करना है तो कैसे करेंगे देखिए ये जो नंबर है इसे हम कंसीडर करेंगे एक्स सपोज एक्स इज इक्वल टू 0.777 डॉट 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 To, इसे हम ऐसे भी शो कर सकते हैं जीरो पॉइंट सेवन डॉट ओके मतलब सेवन रिपीट हो रहा है अब क्या करेंगे हम नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं उस पर ध्यान देंगे एक नंबर रिपीट हुआ है खाली कौन सा नंबर सेवन एक ही नंबर है तो मल्टीप्लाई करेंगे हमें मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करना है हम कर सकते हैं टेन 10 से हंड्रेड से या थाउजेंड से या इसके मल्टीपल में कितने नंबर रिपीट uh, हो रहे हैं उसके हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो वन एक जीरो लेंगे मतलब टेन लेंगे टेन लेंगे मतलब क्या मल्टीप्लाई करेंगे टेन से मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय टेन तो अब क्या होगा टेन एक्स इज इक्वल टू और टेन से मल्टीप्लाई किया तो एक नंबर पॉइंट के आगे आ जाएगा ये नंबर जो है ये पॉइंट के आगे आ जाएगा मतलब क्या होगा सेवन पॉइंट सेवन 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 तो रिपीट हो रहा है ना यानी यानी कि आगे भी क्या आएगा सेवन ही आएगा ओके दैट इज इक्वल टू अब इसे कैसे लिख सकते हैं सेवन पॉइंट सेवन डॉट ओके तो अब क्या करना है अब करना है टेन एक्स माइनस एक्स करना है ये जो वैल्यू है इसमें ये वैल्यू माइनस करनी है ओके okay. तो माइनस एक्स के लेफ्ट हैंड साइड माइनस की तो राइट हैंड साइड भी माइनस करना पड़ेगा तो माइनस क्या होगी सेवन पॉइंट सेवन डॉट माइनस ज़ीरो पॉइंट सेवन डॉट तो जो सेवन डॉट है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा मतलब बचा क्या सेवन और इधर टेन टेन एक्स माइनस एक्स नाइन एक्स तो अब फाइंड आउट क्या करना है फाइंड आउट करना है तो रेशो द एक्स इज़ इक्वल टू सेवन एज इट इज़ नाइन मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में तो एक्स इज इक्वल टू सेवन नाइन तो एक्स क्या है एक्स क्या है जीरो पॉइंट सेवन 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 एक्स क्या है जीरो पॉइंट सेवन 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 डॉट 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 मतलब जो नंबर दिया गया है जीरो पॉइंट सेवन 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 डॉट 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 इसका आंसर क्या आया आंसर है सेवन अपॉइन नाइन कुछ इस तरीके से हमें ये शो करना था आई होप ये एकदम ईजी वाली मेथड है आपको समझ में आ गई होगी कुछ इस तरीके से आगे हम और एग्जाम्पल देखने वाले हैं तो कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है आगे देखेंगे प्रैक्टिस सेट टू पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप अब यहाँ पर क्या करना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप कौन सा है ये फाइंड आउट करना है सिंपल एक सादा कैलकुलेशन करना है हमें यहाँ पर क्या करना है पहला क्वेश्चन है थर्टीन अपॉन फाइव तो सिंपली हमें क्या करना है डिविजन करनी है किसको थर्टीन को डिवाइड करना है किस से फाइव से तो क्या आएगा आंसर फाइव टू जा टेन और उसके बाद पॉइंट देना पड़ेगा ज़ीरो लेंगे फाइव सिक्स डिविजन कंप्लीट रिमाइंडर क्या आया रिमाइंडर इज जीरो तो रिमाइंडर इज जीरो मतलब कंप्लीट हो गई प्रोसेस डिविजन कंप्लीट हो गई आंसर क्या है टू पॉइंट सिक्स मतलब थर्टीन अपॉन फाइव सॉरी थर्टीन अपॉन फाइव इज इक्वल टू क्या आया थर्टीन अपॉन फाइव इज इक्वल टू टू पॉइंट सिक्स दैट मीन्स यहां पर डिवीजन कंप्लीट हो गई तो ये क्या है टर्मिनेटिंग नंबर है क्या है टर्मिनेटिंग नंबर therefore 13 upon 5 is फाइव इज terminating फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर क्यों और इसे क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग कहेंगे खाली ओके okay. कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है एक और एग्जांपल, सेकेंड नंबर क्या है टू upon 11 टू upon 11 तो टू को डिवाइड करना है कैसे करना है 11 से करना है 11 0 0 2 बचा पॉइंट लेंगे 0 लेंगे 11 वन बचा कितना बचा यहाँ पर नाइन पॉइंट तो लिया गया है जीरो और एक लेंगे एलेवन एट एटी एट बचा कितना टू फिर से एक जीरो लेंगे एलेवन वन एलेवन फिर से क्या आया माइनस करने के बाद नाइन आया फिर से ज़ीरो एलेवन एट एटी एट फिर से बचा टू तो देखिए कुछ यहाँ पर इधर पहले टू है इधर बाद में क्या आया टू Nine, two, nine, फिर से एक बार टू मतलब वन एट वन एट वन एट ये क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है मतलब क्या मतलब इसका ऐसा है कि टू अपॉन इलेवन जो है उसमें इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन एट वन एट डॉट 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 यानी कि वन एट रिपीट हो रहा है ये ग्रुप जो है एटीन ये रिपीट हो रहा है तो उसी वजह से हम कहेंगे कि टू अपॉन इलेवन जो है इज नॉन टर्मिनेटिंग इसे क्या कहेंगे non terminating and also non terminating and recurring क्या है ये रैशनल नंबर कौन सा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड ऑल्सो रिकरिंग तो कुछ इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन आगे के सॉल्व करने हैं ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हमें देखना है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द डेसिमल फॉर्म सिंपल वही है क्या करना है डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे सिंपल है डिवीजन करके क्या करना है फर्स्ट एग्जांपल 127 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 200 तो क्या कैसे करना है पहला डिवीजन पहला क्या होगा जीरो zero. 200 हंड्रेड जीरो जीरो मतलब 127 एज इट इज पॉइंट देंगे और जीरो लेंगे एक वहां पर पॉइंट सॉरी पॉइंट लेंगे जीरो पॉइंट यहाँ पर एक ज़ीरो बढ़ा देंगे उसके बाद टू हंड्रेड सिक्स ज़ा ट्वेल्व हंड्रेड वन थाउजेंड टू हंड्रेड मतलब बचा क्या बचा कितना सेवेंटी ओके सिक्स का डिवीजन किया मतलब डिवाइड बाई सिक्स सिक्स का भाग भाग दिया वहाँ पर उसके बाद सेवेंटी ज़ीरो एक और लेंगे टू टू थ्री ज़ा सिक्स दो ज़ीरो एज इट इज़ टू थ्री ज़ा सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री टू थ्री ज़ा सिक्स उसके बाद बचा क्या हंड्रेड एक और ज़ीरो लेंगे टू फाइज़ा टेन दो ज़ीरो एज इट इज़ मतलब पूरा कंप्लीट डिवीज़न हो गया यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया ज़ीरो मतलब इसका आंसर क्या हुआ वन हंड्रेड ट्वेंटी सेवन अपॉन टू हंड्रेड इसका आंसर क्या मिला हमें आंसर मिला ज़ीरो पॉइंट सिक्स थ्री फाइव ओके उसका टाइप लिखना नहीं है कुछ भी लिखना नहीं है सिर्फ इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है क्या लिखना है डेसिमल फॉर्म में मतलब ऐसा डिवीजन करके आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है तो बाकी के एग्जांपल आई होप आप सॉल्व कर सकते हो ओके okay, तो ये पूरे के पूरे एग्जांपल आप कर सकते हो उसके बाद हमें करना है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन पी अपॉन क्यू फॉर्म क्या करना है पी अपॉन क्यू फॉर्म में इसे शो करना है क्या है पहला एग्जाम्पल क्या है जीरो डॉट क्या है जीरो पॉइंट सिक्स डॉट सिंपल पहला तो x इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स डॉट यह पहला स्टेप है क्या करना है जो दिया गया नंबर है उसे x कंसिडर करना है उसे क्या कंसिडर करना है x तो नंबर कितने हैं रिपीट होने वाले नंबर कितने है? एक ही नंबर है खाली तो टेन से मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय टेन यानी कि टेन एक्स इज इक्वल टू ये इसमें से एक सिक्स बाहर आ जाएगा यानी कि सिक्स पॉइंट सिक्स डॉट रहेगा ये सिक्स डॉट जो है इसका मतलब क्या है जीरो पॉइंट सिक्स डॉट जो है इसका मतलब ज़ीरो पॉइंट सिक्स 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 ये रिपीट हो रहे है बार बार एक सिक्स इधर आ गया टेन से मल्टीप्लाई करने बाद ओके okay? तो ये हुआ x और टेन एक्स की वैल्यू अब हमें करना है टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा टेन एक्स की वैल्यू क्या है टेन एक्स की वैल्यू है सिक्स पॉइंट सिक्स डॉट माइनस एक्स की वैल्यू क्या है जीरो पॉइंट सिक्स डॉट तो सिक्स डॉट तो माइनस हो जाएगा बच्चा क्या सिक्स माइनस जीरो सिक्स तो यहाँ पर टेन एक्स माइनस एक्स नाइन एक्स तो नाइन एक्स इज इक्वल टू क्या आया नाइन एक्स इज इक्वल टू सिक्स तो एट लास्ट एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स इज इक्वल टू सिक्स अपॉन नाइन और फाइनल आंसर फाइनल आंसर एक्स इज इक्वल टू थ्री टू जिक्स थ्री थ्री जा नाइन यानी कि टू अपन थ्री टू अपन थ्री ये बना हमारा आंसर एक और एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे सेकेंड वाला ये देखिए कुछ इस तरीके से जीरो पॉइंट थर्टी सेवन है क्या है ज़ीरो पॉइंट थर्टी सेवन उसे कहेंगे एक्स एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट थर्टी सेवन बार अब यहाँ पर कितने नंबर है यहाँ पर दो नंबर से तो टेन से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते दो जीरो होना है हमें दो जीरो मतलब हंड्रेड चाहिए वहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करना है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो हंड्रेड एक्स होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 100x तो इसमें से दोनों नंबर ये आगे आ जाएंगे दोनों नंबर यानी 36, 37, 37 आगे आगे पॉइंट क्या बनेगा पॉइंट क्या बनेगा 37 bar एज इट इज ओके तो उसके बाद क्या करना है उसके बाद करना है 100x minus 6 same step 100x minus 6 is equal to 100x की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए 37 point 37 bar उसमें से माइनस करना है एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू है ज़ीरो पॉइंट थर्टी सेवन बार थर्टी सेवन बार तो माइनस हो जाएगा बचा क्या थर्टी सेवन माइनस जीरो थर्टी सेवन माइनस जीरो यानी थर्टी सेवन तो हंड्रेड एक्स माइनस एक्स नाइन्टी नाइन एक्स तो नाइन्टी नाइन एक्स इज इक्वल टू क्या आया थर्टी सेवन तो एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा थर्टी सेवन अपॉन नाइन्टी नाइन कैन वी डिवाइड दैट नो इसे हम डिवाइड नहीं कर सकते तो थर्टी सेवन अपॉन नाइन्टी नाइन एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर तो ये बनी वैल्यू एक्स की मतलब ये जो नंबर है कौन सा नंबर है नंबर इज जीरो पॉइंट थर्टी सेवन बार इज इक्वल टू थर्टी सेवन अपन नाइन ये हुआ हमारा आंसर ओके okay, तो कुछ इस प्रकार से हम ये वाले क्वेश्चन